हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS Raider 125 के न्यू मॉडल के बारे में। अभी TVS कंपनी अपनी सभी बाइक्स में काफ़ी अच्छे अपडेट कर रही है, जैसे कि रिसेंटली आपको रेडियन का न्यू मॉडल देखने को मिला है, जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। और तभी से आप में से काफ़ी सारे भाई लोग मेरे पास कॉमेंट कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी DM कर रहे थे कि भाई हमको राइडर 125 में TMT डिस्प्ले कब तक देखने को मिलेगी और क्या कुछ और अपडेट देखने को मिलेंगे और कब तक देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को राइडर 125 के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो, अच्छे से जानना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो राइडर 125 के न्यू मॉडल में आपको TMT डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, गारंटी गेटर, रियल टाइम माइलेज, और इसमें आपको काफ़ी सारे अलर्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ़ोन अलर्ट, SMS अलर्ट, लो फ्यूल अलर्ट, लो बैटरी अलर्ट, इस टाइप के काफ़ी सारे अलर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके टैंक पर आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन के टैंक काउल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इसका लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, पहले से काफ़ी ज़्यादा आई कैची होने वाला है। बाकी फ्रंट का लुक आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, टेल लाइट आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेंगी और इंडिकेटर्स आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएंगे। बात कर लें अगर टायर साइज के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। तो इसके टायर साइज आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेंगे और इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक प्लस स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। अभी आपको इसके करेंट मॉडल में ABS देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको ABS देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर के साइड में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बाकी इंजन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, बस इंजन को थोड़ी सा रिफाइंड किया जाएगा। बाकी माइलेज आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेगा, गेयरबॉक्स और सस्पेंशन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर प्राइस के बारे में, तो मान के चलिए कि इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में ज़्यादा नहीं 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। बात कर लें अगर लॉन्च डेट के बारे में, तो राइडर 125 का न्यू मॉडल आपको इस ईयर के फेस्टिवल सीजन तक यानी कि दिवाली तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।